देश जब स्वतंत्रता की 27वीं सालगिरह मना रहा है तो पूरे देश के साथ सरहद पर भी जोश, जुनून और जज्बा इस समय चरम पर है। अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। 78वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरी तरफ सरहद के उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स अब से कुछ ही देर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भाग लेने वाले हैं। एक तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी है, लोग बड़ी संख्या में आए हैं। शाम सूर्यास्त पर ध्वज उतारने का यह समारोह होता है, लेकिन आज बीएसएफ के जवानों का उत्साह तो चरम पर है और दर्शक भी देशभक्ति उनकी अद्भुत है। हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से अटारी में यह समारोह हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वाघा में लोग जुटते हैं पाकिस्तान की तरफ। भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान जहां जोशीली परेड का हिस्सा लेते हैं, वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स उसी जोश के साथ उन्हें टक्कर देने की कोशिश करते हैं। भारत में अटारी के नजदीक या अमृतसर के नजदीक शहर है अटारी, तो सरहद के उस पार वाघा है, सबसे निकट का शहर लाहौर से। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी है, एसके सूद पूर्व एडीजी बीएसएफ है, पीके मिश्रा भी पूर्व एडीजी बीएसएफ है। हम दोनों से विस्तार से चर्चा करेंगे इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में, कब से शुरू हुई, किस तरह से इसमें परिवर्तन आए और लगभग हर वर्ष परिवर्तन आ रहे हैं, इस साल क्या नया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अटारी वाघा बॉर्डर का आसमान देशभक्ति के नारों से गूंज रहा है। जोशीले नारों की गूंज के साथ बीएसएफ की तरफ से परेड की शुरुआत बेहद खास रहने वाली है। कम से कम 6 फुट की ऊंचाई वाले बीएसएफ के जवानों के सिर से भी ऊंचे कदम भारत के वीरों का पराक्रम दिखाएंगे। आजादी की 78वीं सालगिरह के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग द रिट्रीट इस बार बेहद खास रहने वाली है। बीएसएफ की दो महिला जवानों की मार्चिंग के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहां बीएसएफ के डॉग स्क्वाड और हाथों में राइफल नचाते बीएसएफ की महिला बोल्ट्स टीम के करतब का जोरदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए बीएसएफ ने अपने डॉग स्क्वाड के बेहद तेज तर्रार 12 डॉग्स को इस शो के लिए तैयार किया है। बीएसएफ का बैंड लगातार देशभक्ति की धुन पर लोगों को थिरकने को मजबूर कर रहा है। इस बार कुछ स्कूल के बच्चे भी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। भारत में अटारी और पाकिस्तान में पढ़ने वाले वाघा में यह सेरेमनी हर दिन होती है। इसकी शुरुआत 1959 में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने की थी। उससे पहले दोनों देशों का बंटवारा होने के बाद अक्टूबर 1947 में जॉइंट चेक पोस्ट बना था। बाद में बीएसएफ को सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। अब इस पार बीएसएफ और उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स शाम को होने वाली सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं। दोनों देश शाम को अपने अपने झंडे को उतारने के दौरान आक्रामक परेड करते हैं। झंडा उतरने के बाद अटारी वाघा बॉर्डर का ये गेट बंद कर दिया जाता है जो इससे पहले पूरे दिन खुला रहता है। बीटिंग द रिट्रीट का यह समारोह दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता के बावजूद सहयोग का भी प्रतीक है। आज तक ब्यूरो और असीम वसीम मेरे सहयोगी हमारे साथ इसी अटारी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। असीम, इस वर्ष काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस जबरदस्त परेड में, किस तरह की तैयारी है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हम अटारी बॉर्डर पे मौजूद हैं, 78वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और काफी चीजें चेंजेस हुई हैं। पहले तो ये बड़ा स्टेडियम बना कुछ साल पहले और आप देख सकते हैं, अभी टाइम है लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह जैम पैक्ड हो गया है स्टेडियम।
जो देश के लोग हैं अलग अलग कोनों से आए हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जुनून है, देश लोगों का जोश है, जज्बा है और आप आवाजें सुन सकते हैं। यहाँ पे महिला जो कांस्टेबल है बीएसएफ के, वो भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। डॉग फोर्स है और ये आप देख सकते हैं सामने बीएसएफ के जवान किस तरह जोश लोगों में बढ़ा रहे हैं और लगातार जो लोग यहाँ से आए हैं पिछले चार घंटे से यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं और ये जो माहौल है काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग है यहाँ पर और काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेडियम पिछले कुछ समय में बना है जिस जहाँ से 20,000 से 25,000 लोग बैठ सकते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ आकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आनंद लेते हैं। फॉरनर्स भी यहाँ आए हैं, दूर अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी चीज़ें बची। और जो मैं आपको बता दूँ, ये पहली दुनिया की पहली कोऑर्डिनेटेड परेड रहती है पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में और जिसका मेन जो अग्रेशन जो है वो देखने लायक होता है कि कितने जोश के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं वो रोज़ शाम को जब फ्लैग उतारा जाता है कितने जोश के साथ वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा। और ये भीड़ देखिए कि कुछ वर्ष पहले तक तो करीब 2,000-5,000 लोग आते थे, अब कहा यह जाता है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 40,000 से 50,000 लोगों को वहां अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। सूद साहब, अगर शुरुआत आपसे करें, किस तरह से यह परेड बदली है और इस बार बहुत कुछ नया है इस परेड में? जी, ये 1959 में जैसे बताया गया उस समय पंजाब पुलिस थी और उस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स थे जिनके साथ मिलकर ये रिट्रीट शुरू हुई। बीएसएफ का गठन तो 1965 में ही हुआ जिसके बाद से बीएसएफ ने ये टेक ओवर करा। पहले शुरू में बहुत सिंपल ये एक सेरेमनी होती थी और धीरे धीरे इसमें जो एग्रेशन आने लगा और एग्रेशन आने के साथ साथ जब 2009-10 में लगभग महिलाओं का इंडक्शन हुआ सीमा सुरक्षा बल में जी, तो उसके एक दो साल के बाद से महिलाओं को इन परेड में शामिल करना शुरू किया गया और एक थोड़ा बेसिक रोल उनको दिया गया। अभी आज की परेड में महिलाओं का एक खास ड्रिल उनकी हो रही है और इसके अलावा पहले शायद हमारे सभी फ्रंटियर्स के फ्लैग्स वगैरह नहीं होते थे जी, जो अब उसमें शामिल होने लग गए हैं पिछले 3-4 सालों से। तो धीरे धीरे इसका स्केल बीटिंग रिट्रीट का बढ़ता जा रहा है, परंतु ये जो जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया जी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये बहुत ग्रैंड स्केल पर होता है निश्चित तौर और पर। दिन बाकी दिनों में ये इस इतने बड़े लेवल पर नहीं होता, पर एग्रेशन का लेवल जो है वो हमेशा ऐसा ही बना रहता है। ये अग्रेशन एक जोश तो भरता है मिश्रा जी देशवासियों में, लेकिन इस जोश को, इस जुनून को, इस जज्बे को बीएसएफ किस तरह और ज्यादा बढ़ाती है, जिस तरह के वो अग्रेसिव स्टैंड लेती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स, यहां से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का इसमें क्या लाभ? देखिए, बीएसएफ है हमारा जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात है और सामने पाकिस्तान रेंजर है। पहला तो है हम बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं और इनके हमारे साथ जो है हमारा जवान्स के सामने जो है पाकिस्तान रेंजर्स है जिनके साथ ये रिहर्सल होता है, तालमेल बैठता है। और इसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि मैं पहले बताया था ये जो जोश है ये जोश हम पाकिस्तान के रेंजर से ज्यादा ही करेंगे क्योंकि इसको इसलिए इसके ऊपर काफी जोश दिया जाता है। इनका जो ट्रेनिंग और इनका तकरीबन इनका जो हाइट, इनका जो ड्रिल, इसके ऊपर काफी महत्व दिया जाता है और उनको छांट करके तकरीबन 3 सेट रखा जाता है क्योंकि मैं बताती हूँ डेली ये ड्रिल होता रहता है। और इसमें जो है पैर का जो हाइट है और उसको दबाने का जो शक्ति है उसमें पांव भी खराब होते हैं, नी भी खराब होते हैं, तो इनको ट्रेनिंग दिया जाता है और इसको डेली जो है अलग अलग जो टीम है उसको निभाते रहते हैं। लेकिन जोश जो है हमको जोश के साथ साथ अभी हमारा देखेंगे जो दो चीज नया ऐड हुआ था ये तो है कि हमारा जो वुमेन दस्ता है, जो महिला दस्ता है वो भी परेड में शामिल किया गया और उसके साथ डॉग स्क्वाड शामिल किया गया। अब उसके साथ राइफल ड्रिल और बैटन ड्रिल भी महिला द्वारा
सूद साहब, एक तरह से देखा जाए तो बीएसएफ में जो जो नए हथियार आते हैं उन हथियारों का भी एक तरह से प्रदर्शन है, और कितना सक्षम है बीएसएफ का वो पूरा दस्ता उन हथियारों के साथ ये दिखाने का ये प्रयास है। पाकिस्तान क्या इतने ही आधुनिक हथियारों के साथ है, या फिर उनको तो आतंकवादी भेजने हैं, उनके आतंकवादियों के पास बेहतर हथियार रहते हैं? जो पाकिस्तान रेंजर्स के पास हथियार है ऑन पर्सन वेपन्स, वही यहाँ पर भी दिखाए जाते हैं जी। हमारे लोग भी उन्हीं हथियारों से ड्रिल करते हैं और उनके लोग भी उन्हीं हथियारों से ड्रिल करते हैं। आप शायद सही कह रहे हैं, मिलिटेंट्स के पास शायद उनसे, पाक रेंजर्स से शायद बेहतर हथियार होंगे, पर वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होते हैं। जो एग्रेशन की बात जो एक मिस्टर मिश्रा ने कही थी, मैं उसमें कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पोस्टेड था 2007 से 10 तक के बीच में, तो उस समय एक दफा बात चली थी कि एग्रेशन को थोड़ा कम किया जाए, बिकॉज इससे ड्रिल का जो नमूना है वो अच्छा नहीं होता। तो हमारी तरफ से तो शुरुआत की गई, बातचीत भी हुई, पर पाकिस्तान रेंजर्स में दोबारा से वही एग्रेशन होने लगा, तो फिर से वापस वहीं पे आ गई। शायद इसका कारण ये एग्रेशन इन ड्रिल्स के बजाय हमें सीमा पर देखने की आवश्यकता है, जब पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करता है और कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम आता है कि वहां से उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया और आतंकवादी घुसते जा रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। और असीम, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, बीएसएफ डॉग स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो ड्रग तस्करी रोकना हो, पैसे की तस्करी को रोकना हो, या फिर अब हथियारों की तस्करी, और अब तो ड्रोन से हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान भेज रहा है, तो चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। असीम जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लगभग 553 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी हाँ, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ चैलेंज नहीं रहता जे एंड के की तरह, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चैलेंज है वो स्मगलिंग है। पाकिस्तान लगातार जो है हीरोइन और उसके साथ वेपन्स पुशकिन करता है, लेकिन अब लेटेस्ट जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हेडेक है वो ड्रोन है, क्योंकि ये सारे गाँव जो हैं सब रूरल एरिया है, यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस हैं, तो ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान ने बहुत बढ़ाई है। एक टाइम था अभी जब ड्रोन पैकेट्स लेके आते थे हीरोइन के, लेकिन पिछले टाइम में गुरदासपुर रीजन में हमने ये भी देखा कि ड्रोन से AK-47 तक आ गए। सो कैपेबिलिटीज जो ड्रोन के बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान, जो उनके एंटी नेशनल डिजाइन हैं वो एक्सपोज किए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो है वो तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, और यही कारण है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बार बार यहाँ पर सीजर करती है, पाकिस्तान के डिजाइन को एक्सपोज करती है, चाहे वो वेपन्स हो, हीरोइन हो, ड्रोन हो, या जो इन्फिल्ट्रेशन कुछ बिट्स हो। लेकिन और बड़ी बड़ी चुनौती इस समय सीमा सुरक्षा बल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद न केवल आतंकवादी भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, और अब एक्सप्लोसिव्स भी ड्रोन्स के जरिए भेज रहे हैं। बड़ी चुनौती सीमा सुरक्षा बल के लिए इस ड्रिल से कहीं ज्यादा।